हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा। कार्यक्रम में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने 350 जवान स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किए हैं। साथ ही एसपी ऑफिस के ऑफिसर भी इस दौरान फील्ड में रहेंगे। एएसपी सिटी सुनील नेगी ने कहा कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और 4 सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है। उन्होंने कहा कि एसपी ऑफिस के ऑफिसर भी इस दौरान फील्ड में तैनात होंगे व पुलिस के 350 जवान भी स्पेशल ड्यूटी देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो है गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी हमारे शिमला में रिज के ऊपर मनाया जाएगा प्रतिवर्ष के तौर पर, तो इसमें हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जिसमें हमारे राजपत्रित अधिकारी होंगे, जो हमारे शिमला बेस्ड अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग ड्यूटी पर रहेंगे। चाहे वो हम सभी जो है अधिकारी जो एसपी ऑफिस के गजेटेड ऑफिसर हैं, इसके अलावा जो है कम से कम 350 के से ज़्यादा जो है हमने जो है पुलिस जो जवान हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो तैनात कर रखे हैं सुरक्षा ड्यूटी के लिए। हमने इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 सेक्टर्स बनाए गए हैं। उसमें जो है गजेटेड अधिकारियों को और दूसरे थाना के जो प्रभारी हैं हमारे, उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई है और हमने विस्तृत रूप से जो है इसका आकलन करके जो है पूरा हमने ड्यूटियां इसमें लगा रखी है। बता दें कि रिज मैदान पर 11 बजे राज्यपाल आएंगे। 11:02 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान होगा। 11:05 पर परेड का निरीक्षण किया जाएगा। 11:10 पर मार्च पास्ट होगा। 11:20 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। इन कार्यक्रमों में झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीत भी पेश किए जाएंगे। कार्यक्रम में कई रंगारंग प्रस्तुतियां की जाएंगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।